बीएसए ने हरियरपुर कंपोजिट विद्यालय में किया वृक्षारोपण। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने को लेकर शनिवार को आजमगढ़ जनपद के पल्ली ब्लॉक के हरियरपुर कंपोजिट विद्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा प्रदेश में 30 करोड़ पौधरोपण के निर्देश के क्रम में विद्यालय परिसर में लगभग 50 पौधे लगाए गए। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पल्ली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय हरियरपुर का निरीक्षण करते हुए विद्यालय के बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता की जाँच भी की। बच्चों के शैक्षिक स्तर से प्रसन्न होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को विद्यालय का आई कार्ड वितरण किया। इस दौरान सदर सांसद प्रतिनिधि संतोष कुमार श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा, प्रधानाध्यापक उपेंद्र दत्त शुक्ला, ग्राम प्रधान जूरी राम, ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार चौहान सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र उपस्थित रहे। बेसिक शिक्षा विभाग आजमगढ़ की तरफ से हम आज अनेक विद्यालयों में पौधारोपण करते हुए यहाँ उच्च कंपोजिट विद्यालय पहुँचे और यहाँ 15 बच्चों को शपथ दिलाई गई और उनसे कहा, आग्रह किया गया है, निर्देशित किया गया कि जो पौधे लगाए गए हैं उसको संरक्षित करें और उसका ध्यान रखें। हरियरपुर घराना जो संगीतज्ञों का घराना है, एशिया का सबसे पहला गाँव जहाँ पर किसान खेती करते हैं और साथ ही साथ रियाज भी करते हैं, वैसे किसान जो संगीतज्ञ हैं इस हरियरपुर घराना में कंपोजिट विद्यालय हरियरपुर में आज हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 35 करोड़ वृक्ष लगाने का, उसका आज हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया। माननीय बीएसए साहब भी साथ थे। मैं उपेंद्र दत्त शुक्ला, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय हरियरपुर, शिक्षा क्षेत्र पल्ली आजमगढ़। हमारे यहाँ आज कार्यक्रम माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बच्चों को कार्ड वितरण किया गया, आई कार्ड, और जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। सांसद प्रतिनिधि भी आए थे, खंड शिक्षा अधिकारी हमारे आए थे, हमारे बीएसए साहब ने जो है विद्यालय का निरीक्षण भी किया, सब कुछ संतुष्ट थे। यही कहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग विद्यालय को सजा करके रखिएगा, इसकी गरिमा को कहीं से आँच न आने पाए। और हम विद्यालय परिवार का यही प्रयास रहेगा, इस कंपोजिट विद्यालय को अपने ज़िले में एक ऊंचाई तक ले जाएं, जबकि हमारा विद्यालय जो प्रशासन को 10 विद्यालय आजमगढ़ से गया था उसमें 3 विद्यालय का चयन हुआ था, जिसमें मेरा विद्यालय और देवखरी और एक फूलपुर में 3 विद्यालय का चयन हुआ था। और यहाँ पर जो है भविष्य में इंटर कॉलेज भी बनने की चांस हैं। हमारा विद्यालय अभ्युदय विद्यालय के लिए चयन किया गया है।